जय हिंद दोस्त। सेकेंड वीडियो में फिर आपसे एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि हमने बताया, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ओपी फिक्सर को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए और आगे जो वीडियो जाए ताकि आपको प्राप्त होते रहे। सिंथेटिस में दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना। तो जैसा कि हमने बताया था, पार्टिसिपल तीन भागों में डिवाइड है। नंबर एक पर एक कौन सा पार्टिसिपल होता है दोस्तों, प्रेजेंट है। नंबर दो पर अगर हम बात करें तो नंबर दो पर आता है पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर तीन पर अगर बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों के बारे में हमको समझना बड़ा कंफ्यूजन है। यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई भी वीडियो आपको क्लियर नहीं मिलेगा, बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक ही झटके में पूरा पार्टिसिपल का काम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप अगर प्रेजेंट को देखें तो प्रेजेंट में कुछ सहायक क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर, वाज, बेयर, वाज, बेयर, इनको हम बी की फॉर्म कहते हैं। अगर दोस्तों ये वर्ब आपको दिखे और इनके साथ में कोई भी मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो अर्थात कोई मुख्य क्रिया ना हो, तो डायरेक्ट हम इसको चेंज कर देते हैं बीइंग में। डायरेक्ट यह चेंज हो जाता है बीइंग में, बीइंग में बदल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी मेन वर्ब मिला, मान लीजिए इज एम आर हुआ और उसके साथ में कोई भी मेन वर्ब आ गया, फिर से दोबारा किसी मेन वर्ब ने एंट्री मार दी तो मार दी तो मारने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जब मेन वर्ब आ जाएगा तो तुरंत हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, आई एन जी लगा देंगे तो आराम से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कहीं पे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल, कोई शक नहीं करना है। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल को देखें तो आपको परफेक्ट की सहायक क्रियाएं मिलेंगी। नंबर एक पे हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, यह तीनों सहायक क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही आपको यह सहायक क्रिया देखने को मिले तुरंत आप इसको चेंज कर दीजिए दोस्तों हैविंग में, या बदल जाएगा हैविंग में, और आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं करनी है। इसमें हैविंग के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हम यहां बात करें बींग के साथ, तो जो फॉर्म रहता है उसी फॉर्म को यूज कर लेंगे। आई एन जी के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और अंतर देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सब्जेक्ट दो तरह के होंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो सब्जेक्ट भी इसमें दो तरह के होंगे। एक होगा सेम सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में, और दूसरा होगा डिफरेंट सब्जेक्ट। दोनों आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। लेकिन आप अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो आपको हमेशा हमेशा सेम सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर सेम सब्जेक्ट नहीं है तो उसका परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा दोस्त। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, आप डायरेक्ट चीजों को समझिए। एग्जाम्पल यहां देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, हमने कहा कि सी इज ए एक्टर, सी इज ए एक्टर, वह एक एक्टर है। सी डांस, सी डांसेज वेल, और वह बढ़िया नाचती है। दोस्त देखिए यहां पर पहला है सी इज ए एक्टर और दूसरा है सी डांसेज वेल, दो सेंटेंस मिले। अब इन दोनों सेंटेंस को हमको एक बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से, क्योंकि यहां पर इज एम आर है पहले सेंटेंस में। तो यहां पर देखिए आप सी है और यहां पर भी देखिए सी है, दोनों में सी कॉमन है, तो यहां से एक सी को काट दिए। कोई भी मेन वर्ब नहीं है, सी इज ए एक्टर, एकदम सिंपल बात है। तो इज एम आर को हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में, और लिखेंगे बीइंग ए एक्टर, बीइंग ए एक्टर, एक्टर होने के नाते इस सेंटेंस को पूरा वैसे उतार देना है, लिख देना है सी डांसेज वेल, वह बढ़िया नाचती है। एक्टर होने के नाते वह बढ़िया नाचती है। तो मेरे दोस्त आप देखिए बड़े आराम से यहां हमको दो सेंटेंसों से एक सेंटेंस प्राप्त हो गया। इसी को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
अगर दूसरा टाइप आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा आई प्ले, मैं खेलता हूं। दो सेंटेंस हो गए दोस्तों, पहला सेंटेंस हुआ आई रीड वे बुक, दूसरा हो गया आई प्ले, मैं खेलता हूं। आप देखिए यहां भी आई कॉमन है, तो एक आई को उगा दिए, जैसा कि हमने बताया था कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। यहां है रीड में आईएनजी लगा दिए, रीडिंग बुक किताब पढ़ करके, आई प्ले मैं खेलता हूं, हमें प्राप्त हो जाता है एक सेंटेंस, और इसी को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों बहुत कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो ना कोई रूल है ना कोई नियम है, अगर आप एक बार चीजों को ध्यान से समझ गए तो बड़े आराम से प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे अगले पार्टिसिपल के बारे में। धन्यवाद।